वेलकम टू हरे कृपा राधे राधे। मेरा नाम गरिमा है और आज हम सीखने वाले हैं गोपाल जी के लिए एक और नई ड्रेस। और उस ड्रेस को बनाने से पहले, जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में बताया है कि मैं घेरा शेयर करूंगी, उसके बाद बॉर्डर बनाना, ताकि जब भी मैं घेरे के लिए वीडियो रिकमेंड करूं तो आप लोग को इजीली घेरा मिल जाए और फिर उसके आगे का जो पैटर्न है वो फॉलो करके और आप पूरी ड्रेस बना सके। तो आज हम सीखेंगे सिंपल घेरा बनाना और ये जो घेरा है ये 5 नंबर के गोपाल जी का है। तो चलिए हम घेरा बनाना शुरू करते हैं। और इसे बनाने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज मेरे चैनल यानी कि हरी कृपा क्रोशेट को सब्सक्राइब करें। जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करें और जैसे ही आप उस बटन पर क्लिक करेंगे आपको 3 ऑप्शंस आएंगे, जो उसमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन होगा AELL, उस पर आपको क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप AELL पर क्लिक करेंगे तो जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी। सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बढ़े। आप सभी लोगों को दिल से थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए अब घेरा बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने चोली बना ली है। अगर आपको जाना है कि ये चोली कैसे बनी है तो इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको इस चोली का वीडियो इजिली मिल जाएगा। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने 2.75 mm का क्रोशिया लिया हुआ है, जिसे हम नंबर में 11 नंबर बोलेंगे। और हमें चाहिए सीजर। तो चलिए अब इस ड्रेस को यानी कि सिंपल घेरा बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने वूल जो है वो कट नहीं किया है। और अब इसके आगे स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जहाज पे हम लोगों ने स्लिप स्टिच से इस चोली को ज्वाइन किया है। यहाँ पे 1, 2 and 3 थ्री चेन बना लेंगे। थ्री चेन बनाने के बाद लूप लेंगे और सेम चेन स्टिच में क्रोशिया हुक को लेके जाएंगे और यहाँ पे एक बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे। अगेन लूप लेंगे, नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे और अगेन यहाँ पे भी 2 बार सेम चेन स्टिच में डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया हुआ। अगेन लूप लेंगे, सेम चेन स्टिच में जाएंगे और यहाँ पे भी एक बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये देखिए, ये देखने में कुछ इस तरह से दिखेगा। और इस राउंड का पैटर्न होगा कि एवरी चेन स्टिच में 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं अपना ये जो राउंड है वो कंप्लीट करूंगी। तो देखिए, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ। और अब एंड में आने के बाद जो स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे 3 चेन बनाया था उसके 3rd नंबर वाले चेन स्टिच में क्रोशिया हुक को लेकर के जाएंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच से इस राउंड को कनेक्ट कर देंगे। और अब कनेक्ट करने के बाद अगेन 1, 2 and 3 थ्री चेन लेने के बाद यानी कि 3 चेन लेने के बाद लूप लेंगे और यहाँ पे आप लोगों को चेन स्टिचेस दिख रहे होंगे। तो जो बैक लूप है यानी कि ये फर्स्ट चेन स्टिच है हमारा, तो उसके बैक वाले लूप में क्रोशिया हुक को लेके जाएंगे और यहाँ पे एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। अगेन लूप लेंगे, चेन स्टिच के बैक लूप में जाएंगे और यहाँ पे 2 बार सेम चेन स्टिच में डबल क्रोशिया बना लेंगे। अगेन बैक लूप में जाऊंगी तो ये फर्स्ट डबल क्रोशिया, अगेन लूप लिया, बैक चेन स्टिच में गए, ये सेकंड डबल क्रोशिया, अगेन लूप लिया, थर्ड चेन स्टिच में गए और ये हमारा 3rd डबल क्रोशिया। अब अगेन लूप लेंगे, सेम चेन स्टिच में जाएंगे और एक बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग एवरी 3rd नंबर के चेन स्टिच में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है, जैसा कि यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, अगेन 1 डबल क्रोशिया और जो 3rd नंबर का चेन स्टिच आएगा यहाँ पे हमें बैक लूप में 2 बार डबल क्रोशिया रिपीट करना है। तो ये देखने में कुछ इस तरह से दिखेगा और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं ये राउंड कंप्लीट करूंगी। तो देखिए, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और एंड में आने के बाद जो हमारा सीक्वेंस चल रहा था यानी कि एवरी 3rd नंबर वाले चेन स्टिच में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना, जैसे कि 1, 1 and 3rd वाले में 2 बार, तो उसी सीक्वेंस पे मेरा यहाँ पे एंड हुआ है। तो अब वापस से फिर से मैं 3rd नंबर वाले चेन स्टिच में 1, 2 and 3 क्रोशिया हुक को लेके जाऊंगी और स्लिप स्टिच से इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगी। तो ये हमारा 2nd राउंड कंप्लीट हो गया और अब वापस से फिर से यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, 1, 2 and 3 थ्री चेन बनाने के बाद वापस से लूप लेंगे और चेन स्टिच के बैक लूप में जाएंगे और यहाँ पे अगेन एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से लूप लेंगे, बैक लूप में जाएंगे
और यहाँ पे फिर से एक बार और डबल क्रोशिया, फिर से लूप लेंगे, चेन स्टिच के बैक लूप में जाएंगे और यहाँ पे फिर से एक बार और डबल क्रोशिया। और इस राउंड का जो सीक्वेंस होगा वो एवरी फोर्थ नंबर वाले चेन स्टिच में दो बार डबल क्रोशिया बनाना है, यानी कि एवरी चौथे नंबर वाले स्टिच में हमें दो बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं ये राउंड भी कंप्लीट कर लूंगी। तो एक बार लूप लिया और अगेन सेम चेन स्टिच में गए और यहाँ पे एक बार और डबल क्रोशिया। तो ये सीक्वेंस कंप्लीट हो गया। तो ये देखने में कुछ इस तरह से दिखेगा और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं अपना ये जो राउंड है वो कंप्लीट कर लूंगी। तो देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और अब एंड में आने के बाद थर्ड नंबर वाले चेन स्टिच में क्रोशिया को लेके जाएंगे और स्लिप स्टिच से यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। और उससे पहले ये बात ध्यान में रखनी होगी कि जो सीक्वेंस था उसी सीक्वेंस पे यहाँ पे हमारा वर्क फिनिश होना चाहिए। जैसे यहाँ पे थर्ड नंबर वाले में दो बार डबल क्रोशिया, वैसे यहाँ पे फोर्थ नंबर वाले चेन स्टिच में दो बार डबल क्रोशिया आना चाहिए, क्योंकि यही हमारा पैटर्न चला था कि 1, 2, 3 एंड 4 फोर्थ नंबर वाले में दो बार डबल क्रोशिया बनाना था। इसको थर्ड नंबर वाले चेन स्टिच में ले जाएंगे और स्लिप स्टिचेस को आपस में ज्वाइन कर देंगे। अब ज्वाइन करने के बाद वापस से 1, 2 एंड 3 चेन लेंगे और अगेन लूप लेंगे। लूप लेने के बाद जो हमारा सीक्वेंस चला था यानी कि चेन स्टिच के बैक लूप में जाएंगे और यहाँ पे एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे, अगेन लूप लेंगे, चेन स्टिच के बैक लूप में जाएंगे और यहाँ पे एक बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे, अगेन लूप लेंगे, चेन स्टिच के बैक लूप में जाएंगे और एक बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो जो हमने 1, 2, 3 चेन बनाया था इसको हम फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, यानी कि हमारा पहला डबल क्रोशिया होगा, उसके बाद सेकंड डबल क्रोशिया, थर्ड डबल क्रोशिया एंड फोर्थ डबल क्रोशिया। तो इस राउंड में हमारा जो सीक्वेंस होगा वो ये होगा कि एवरी फिफ्थ नंबर वाले चेन स्टिच में हमें दो बार डबल क्रोशिया बनाना होगा। तो वापस से लूप लेंगे और फिफ्थ नंबर के चेन स्टिच के बैक लूप में जाएंगे और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, अगेन लूप लेंगे, सेम चेन स्टिच में जाएंगे और एक बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा हो गया 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 पांचवें नंबर वाले चेन स्टिच में हमें दो बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये देखने में कुछ इस तरह से दिखेगा और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं अपना ये राउंड जो है वो कंप्लीट करूंगी। तो देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और अब एंड में आने के बाद उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे लास्ट में फिर से मेरा दो डबल क्रोशिया बना है और अब वापस से फिर से इसे ज्वाइन करूंगी। तो 1, 2, 3 थर्ड नंबर वाले चेन स्टिच में क्रोशिया हुक को लेके जाऊंगी और स्लिप स्टिच से यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दूंगी। तो ये हमारा घेरा जो है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो वापस से फिर से अब हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, 1, 2 एंड 3। 3 चेन बनाने के बाद अगेन लूप लेंगे। लूप लेने के बाद जो सीक्वेंस चल रहा था यानी कि चेन स्टिच के बैक लूप में क्रोशिया हुक को लेके जाएंगे और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, अगेन लूप लेंगे, चेन स्टिच के बैक लूप में जाएंगे और यहाँ पे फिर से एक बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे, अगेन लूप लेंगे, चेन स्टिच के बैक लूप में जाएंगे, यहाँ पे फिर से एक बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर से लूप लेंगे, चेन स्टिच के बैक लूप में जाएंगे और यहाँ पे फिर से एक बार डबल क्रोशिया। जो हमने यहाँ पे 3 चेन बनाया था ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगा। तो अब सीक्वेंस होगा कि एवरी 6 नंबर वाले चेन स्टिच में हमें दो बार डबल क्रोशिया बनाना है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 6 नंबर वाले में हमें दो बार डबल क्रोशिया बनाना है। अगेन लूप लेंगे और 6 नंबर वाले चेन स्टिच के बैक लूप में जाएंगे और यहाँ पे एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे, अगेन लूप लेंगे, फिर से सेम चेन स्टिच में जाएंगे और यहाँ पे दो बार डबल क्रोशिया बन जाएगा। तो ये देखने में कुछ इस तरह से दिखेगा और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए यानी कि एवरी 6 नंबर यानी कि एवरी 6 नंबर वाले चेन स्टिच में दो दो बार डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं अपना ये राउंड जो है वो कंप्लीट करूंगी। तो देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और एंड में आने के बाद यहाँ पे फिर से वही सीक्वेंस था कि डबल क्रोशिया ही हमारा एंड में आना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कि मेरा 2 डबल क्रोशिया है एंड में और अब वापस से फिर से थर्ड नंबर वाले चेन स्टिच में क्रोशिया हुक को लेके जाएंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच से आपस में ज्वाइन कर, तो स्लिप स्टिच से यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारा घेरा जो है वो बन करके रेडी हो गया है और आपको इसमें
स्टिचेस जो है वो बहुत इजीली दिख रहे होंगे, तो ये भी एक तरह से डिजाइन हो गया है। और अगर आप बड़े गोपाल जी के लिए घेरा बना रहे हैं, जैसे कि 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर, तो आपको इसी पैटर्न को बढ़ाते जाना होगा। तो घेरा बहुत ही सिंपल होता है, आप इसको फॉलो करके बड़ा घेरा छोटा घेरा, आपको जैसे छोटे गोपाल जी के लिए बना रहे हैं तो आप अपने पुरानी ड्रेस से उसको मापिए कि आपको कितना बड़ा घेरा चाहिए। तो आप फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड के बाद स्टॉप कर सकते हैं, फोर्थ के बाद स्टॉप कर सकते हैं, फिफ्थ के बाद स्टॉप कर सकते हैं। घेरा अपनी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना बड़ा घेरा चाहिए। तो आज हम लोगों ने सीखा गोपाल जी के लिए सिंपल घेरा बनाना, और जल्द ही मैं इस घेरे के बाद का पैटर्न अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा सिखाने का तरीका समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी राय देनी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें जो ठाकुर जी की ड्रेस बनाना या सीखना चाहते हो। और आप लोगों को दिल से थैंक यू जो आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मुझे सपोर्ट किया। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहे ठाकुर जी की और भी प्यारी प्यारी ड्रेस सीखने के लिए। और आप सब मेरे साथ फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ताकि आप सब अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कर सके। आप लोगों ने मेरा वीडियो देख के ठाकुर जी की ड्रेस बनाई होगी, तो उस ड्रेस की पिक मेरे साथ फेसबुक पे शेयर करें और हरि कृपा क्रोशेट परिवार का हिस्सा बने। इसी तरह से ठाकुर जी के लिए बहुत ही प्यारी प्यारी ड्रेस बनाते रहिए, खुश रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मैं जल्दी मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।